हेलो एंड वेलकम टू विलॉकपुर। वनीला मैंगो केक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है आधा कप दही। दही फ्रेश लेना है और रूम टेम्परेचर पे लेना है। उसके बाद डालेंगे एक कप चीनी और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक कि इसमें चीनी अच्छे से मिल ना जाए। तो ये देखिए चीनी अच्छे से मिल गई है। अब डालेंगे इसमें एक टीस्पून वनीला एसेंस और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर डालेंगे आधा कप रिफाइंड तेल और इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अब इस पर एक छलनी लगाएंगे और इसमें डालेंगे डेढ़ कप मैदा, एक टीस्पून बेकिंग पाउडर, आधा टीस्पून बेकिंग सोडा और इन सबको अच्छे से छान लेंगे। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो हम इसमें डालेंगे 3/4 कप दूध। दूध आपको थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करना है और मिक्स करते जाना है। तो ये देखिए इस तरह से हम धीरे धीरे करके इसमें मिक्स करते जा रहे हैं और ये सारा दूध हमने इसके अंदर मिला दिया है। दूध भी यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर लिया है और ये हमारा केक का बैटर बन के तैयार है एकदम। अब हम इसको वेट नहीं करेंगे और फटाफट से ट्रांसफ़र कर देंगे केक टिन में। केक टिन को हमने पहले से ग्रीस कर लिया है, बटर पेपर लगा दिया है, तो हमने इसको ट्रांसफ़र कर लिया है। इस तरह से टैप कर दीजिए थोड़ा सा। और यहाँ पर मैंने पहले से कढ़ाई में ढककर 5-10 मिनट के लिए इसे अच्छे से गर्म कर लिया था और इसमें अब हम इस टिन को डाल देंगे। 40 से 45 मिनट के लिए इसे बेक होने देंगे। अब यहाँ पर पैन में मैंने लिया है एक मैंगो की प्यूरी और 2 टेबलस्पून चीनी। इसे अच्छे से गाढ़ा होने तक हम पकाएंगे। तो ये देखिए अच्छे से गाढ़ा हो गया है, इसे हम ठंडा कर लेंगे। और यहाँ पर हमारे केक को चेक कर लेते हैं। तो टूथपिक से मैं यहाँ पर चेक कर रही हूँ तो ये एकदम क्लीन आई है। अब इस टिन को हम बाहर निकाल लेते हैं और केक को हम बिल्कुल ठंडा होने देंगे, उसके बाद में ही इसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो देखिए केक ठंडा हो गया है, इसे डीमोल्ड कर लेते हैं और इसका बटर पेपर हटा देते हैं। आप देख सकते हैं केक को देखने से ही आपको लग रहा होगा कि कितना स्पंजी बना है। अभी मैं आपको इसे चेक भी करके बताती हूँ। तो ये देखिए कितना स्पंजी केक बना है, ये बहुत ही बढ़िया। अब यह जो हमने मैंगो जेल बनाया था थिक करके मैंगो को, उसको हम यहाँ पर इस पर पोर करेंगे और सभी तरफ इसे अच्छे से फैला देंगे। ऊपर और नीचे सभी तरफ मैं इसे लगा रही हूँ और इसकी एक थिक लेयर आपको लगानी है अच्छे तरह। केक को आप जैसा मन करे उस तरह से सजा सकते हैं। तो ये देखिए चम्मच से ही मैं इसमें ये एक डिज़ाइन बना रही हूँ। बहुत ही सिंपल डिज़ाइन बनकर आ गया और बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये। इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में सेट होने देंगे। उसके बाद में यहाँ पर इस पर लगा रही हूँ मैं मैंगो के पीसेस। तो ये देखिए ऊपर वाली लेयर मैं पूरी मैंगो के पीसेस से कवर कर रही हूँ और इसे एक फ्रेश लुक देने के लिए मैं लगा रही हूँ इस पर मिंट लीव्स। इसे मैंने एक ओकेजन के लिए बनाया था तो मैं यहाँ पर कट करने के बाद में उसकी पिक्चर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी बना था। बनाना इसे बहुत आसान है, सिंपल है, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी। इसे ज़रूर बनाइए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।